वालेकुम, वेलकम बैक पिंडी विजन क्लब में। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज अपने छत वाले कबूतरों का भाई लोगों को शौक करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर सारे हेल्दी एंड एक्टिव हैं और कुछ बच्चे भी निकले थे, दो तीन ही बच्चे निकले हैं। आप भाइयों के साथ वो बच्चे भी शेयर करता हूँ, बच्चों को कलर भी लगाऊँगा और आप भाइयों ने बताना है कि बच्चे कैसे हैं। और एक बच्चा है जिसको मैंने रोका है, मेरी नज़र में बहुत अच्छा निकला हुआ है, लेकिन आप भाई लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि उसको जोड़ों के लिए रोका जाए या उसे उड़ाऊं। तो बाकी कबूतरों का आप भाइयों को शो करवाते हैं। बाकी ये चेक करें, एक काला पट्ठा किसी का निकला हुआ है, क्लियर नहीं हो रहा वीडियो में, ये मेरे ख्याल से वो उधर ही किसी भाई का है। तो अच्छा कबूतर है। बाकी ये चेक करें, ये बाबा जोड़ा, इन्होंने दोबारा से अंडे दे दिए और पहला एक बच्चा निकाला था इन्होंने। और ये तीन मोरों वाला मेरा जोड़ा माशाल्लाह से, ये भी चेक कर सकते हैं, इसका बच्चा बहुत ज़्यादा शानदार निकाला है इन्होंने। और ये एक छोटी सी अपडेट थी, ये जो सेंटर में दीवार थी ये मैंने खाली कर दी है। अब इसमें जो कबूतर सेल होने के लिए आया करेंगे वो कबूतर भाई लोगों को इसके अंदर रख के तो शो करवाया करूँगा कि कौन से कबूतर आए हैं सेल होने के लिए। और बाकी ये चेक कर सकते हैं, कबूतर निकल आए हैं जोड़े माशाल्लाह से, छत बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये सारे कबूतर उड़ाई वाले हैं, इनमें अब मूड तो बहुत है कब उड़ाने का, लेकिन कबूतर इस टाइम पर मेरे पास पाँच कबूतर हैं जो पक्के हुए में, बाकी दो ही कबूतरों का कुछ सिस्टम करेंगे। बाकी ये चेक करें माशाल्लाह से, ये भी कबूतर सारे हेल्दी एंड एक्टिव हैं, जोड़ों वाले कबूतर टेडी के भी पर खींच दिए जो पुराने थे कटे हुए थे। ये चेक करें, ये फिरोजपुरी, वो सामने फिरोजपुरी माती है, वो भी टेडी क्रॉस, ये ऊपर गोल्डन और वो वाली डब वालों में से ये मादी बनी हुई है। ये चेक करें, लाल लखा कबूतर। बाकी आप भाइयों को कबूतरों का शौक करवाता हूँ, पहले तो बेबी पिजन का, और जो कबूतर पक्के हुए में उनके भी पर पुटाई कर दी है मैंने अपने शौक के लिए। पर पुटाई किया एक किस्म के, चार से पांच कबूतर थे मेरे पास, बाकी दोस्तों को दे दिया करता था, लेकिन अब मेरा अपना दिल है कि अपनी छत से शो किया जाए। बाकी ये कलर है, माल्टा सा कलर बनाया हुआ है, ये येलो और पिंक कलर को मिक्स करके। एक कबूतर अभी वो पीछे गया है, बच्चा था कि साइड पे, वो चेक करें नीचे वाली साइड पे, ये अब आया है इस साइड पे, वो निकल गया, बड़ा कबूतर है, बच्चा नहीं है, जोड़ों वाला कबूतर निकला है मेरे ख्याल से किसी का। बाकी आप भाई कबूतर चेक करें माशाल्लाह से सारे, ये जीरी इस टाइम पे बहुत अच्छी उड़ के आ रही है, ये बच्चा भी, ये तो अभी नहीं निकाला बाहर मैंने। और इसमें से दो कबूतर हैं जो सेल वाले हैं, एक ये वाला, वो भाई नहीं लेकर गए थे, उनको मैंने कॉल कर दी थी तो उसके बाद उन भाई ने रबते ही नहीं किया। एक वो काली पोर्ट वाला सामने जो नर है, उन दो कबूतरों का भी आप भाइयों को शौक करवाता हूँ और बाकी कबूतर भी दिखाता हूँ, मोबाइल स्टैंड पे लगा लूँ। ये बेबी पिजन है, ये वाला बच्चा जिसको दिल ले के रोक लूँ। आप भाई लोगों ने बताना है इसको क्या करें, उड़ाया जाए या रोक दिया जाए। माशाल्लाह लाजमी कह देना है। और आप भाइयों ने बताना है कि इस पट्ठे को क्या करूं, रोक दूं जोड़ों के लिए या उड़ाने के लिए छोड़ दूं। ये तीन मोरों वाला जो मेरा जोड़ा है उसका बच्चा आगे से मादी निकलेगी और बहुत शानदार जिस्म की है, हड्डी जोर पूरे हैं इसके, बहुत बैलेंस में ये बच्चा निकला है। ये चेक करें शोल्डर भी, आप इसके फुल नीचे से गोल और आगे से चौड़ा है, पीछे से बारीक। ये आपको, ये भी अभी आंख साफ कर जाएगा थोड़े से,
ये फिरोजपुरी है इसकी जो माँ है ना, और आगे से इस बच्चे की भी आंखों में फिरोजपुरी है, फिरोजी, और ग्रे कलर की आंख निकालेगा। बाकी आपको इसके परों का शौक करवाता हूँ, ये चेक करें जी, अच्छी बगल का है। और 3 दिन पर मैं काट देता हूँ बच्चे पक्के करने के लिए। ये मेरा शुरू से ही तरीका है कि मैं बांधता छानता नहीं हूँ, पहली 3 कलियाँ जो होती हैं वो काट देता हूँ और छोड़ देता हूँ छत पे, साथ साथ कली भी गिरा देते हैं उस टाइम तक। रीज़न ये है कि मेरी छत है थोड़ी सी नीचे, आसपास घर थोड़े ऊंचे हैं, तो कबूतर अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है बच्चा, और इतने टाइम में पक्का भी हो जाता है। बाकी आप इसके परों की शेप भी चेक कर सकते हैं, आखिरी 3 पर भी चेक कर सकते हैं। दुम चेक करें, ये चेक करें, दुम पूरी खड़ी कर देते, अच्छी दुम है। सिंगल पता तो नहीं है, डबल पता है जो मुझे पसंद है। और इसके पंजों का भी आप भाइयों को शौक करवाता हूँ, पंजे चेक करें, खुशक और जामनी पंजे, ये 31 नंबर मेरा जोड़ा है। और इस बच्चे को भी रंग लगा के छोड़ देते हैं। इसका आप भाइयों ने बताना लाजमी है कि इस बच्चे को क्या करूं, उड़ाने के लिए छोड़ दूं या जोड़ों में डालूं। ये पट्टी है, ये भी नर है, सॉरी, ये जो पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुका हूं कि जिन भाई का था, मैंने उनको कॉल भी की थी और उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा लेकिन आ नहीं सके, वो क्या पता क्या रीज़न है क्या नहीं, और खैर उन्होंने कोई रابطہ भी नहीं किया मुझसे। तो अब यही है कि मैं इनको सेल कर दूंगा, इन दोनों को, जिस भाई को चाहिए हो तो वो भाई मेरे से रابطہ कर सकता है, 0301 520 3824, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह ये आप भाइयों को मिल जाएंगे। 2 नर हैं, चेक करें, थोड़ा जूम चेक करें, और ये जी इस नार को पल लगा, चेक कर सकते हैं आप भाई, अच्छा नार है, जिस किसी भाई का भी था उसका था, बहुत अच्छा था, ये चेक करें पूरा पर खोल के, और दूसरी साइड भी चेक करवाता हूँ आप भाइयों को। ये चेक करें, और जिससे मैंने लिया था, मैंने तो उससे पूछा था कि भाई कहाँ से पकड़ा है, तो उसने कहा कि यार ये हॉस्पिटल की छत पे आ गया था, रात के टाइम पे बैठा था, ये उन भाई की कड़ी भी डली हुई है। पंजे भी चेक कर सकते हैं, दुम भी चेक करें, बंद दुम के, और दूसरा पीस भी आप भाइयों को चेक करवाते, ये चेक करें, दूसरा नर ये है, बाकी इस नर की आंख का आप भाइयों को शौक करवाता हूँ मैं, थोड़ा कैमरा, ये चेक करें, बाकी ये इस नर को पर भी चेक कर सकते हैं आप भाई, मेरे ख्याल से इधर से कली लेकर आ रहा है बगल की जी, और दूसरी साइड से भी,
ये भी कबूतर रात रह के जाया हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी फिल्म करके उड़ाते हैं, बहुत अच्छा और मजबूत कबूतर है, चेक करें परों में गैप बिल्कुल भी नहीं है। ये चेक करें पहली कली और बगल, इसके पूरा आधी इंच का फर्क है। बाकी ये दुम भी चेक करें, इस नर की दुम बड़ी प्यारी है। पाँच, नौ और तीन, बारह, ठीक हो गया। इधर से भी तीन कलियां चिट्टी हैं और उस साइड से भी तीन कलियां चिट्टी हैं, बाकी छह पर अंदर के काले हैं इस नर के। और पंजे भी चेक करें, अच्छे पंजे हो गए। ये इसकी लंगोट चेक करें, नीचे से ब्लैक, सीने से भी ये ब्लैक है और अच्छा कबूतर है, जिस किसी का भी था। तो ये दो जो लास्ट में आप भाइयों को दिखाए हैं पीस, ये फॉर सेल हैं। बाकी मोबाइल स्टैंड से उतार दूँ, चेक कर सकते हैं। ये आपके भाई के पास कुछ पीस हैं और इंशाल्लाह इसी से शौक होगा। इस बच्चे का आप भाइयों ने लाजमी बताना है मुझे। अब बाकी कबूतरों को, इनको भी दाना पानी डालूँ और उनको तो पानी डालूं। मादी बैठी हुई है, ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बाकी अपनी प्यार मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा, बताइएगा कि आपके भाई के जो थोड़े बहुत पीस रखे हुए हैं कबूतर कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बताना लाजमी है कमेंट्स में। ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।